दिल्ली चलो का नारा बुलंद किए हुए किसानों को आज दूसरा दिन हो गया है और तकरार ऐसा जबरदस्त तकरार की स्थिति अभी बनी हुई है अन्नदाता हम कहते हैं किसानों को जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद करते हैं लेकिन तकरार ऐसी कि दोस्ताना भाईचारा कहीं तार तार होता दिख रहा है कुटीली तारें कीले ठोक दी गई हैं बाड़ेबंदी कर दी गई है कंक्रीट के स्लैब लगा दिए गए हैं गैस लगातार छोड़े जा रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं और यह तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं दो जगह की तस्वीरों पर आप गौर कीजिएगा एक है शंभू बॉर्डर यह पंजाब हरियाणा की सीमा पर है जब आप अमृतसर जाते हैं अंबाला से अमृतसर की तरफ जाते हैं वहां की तस्वीर और दूसरी तस्वीर बठिंडा से आप हरियाणा यानी कि जींद की तरफ से आए तो खनौरी बॉर्डर है और वहां भी आलम ऐसा ही अफरा तफरी भागम भाग केयर गैस झड़प और किसान घायल और पुलिस वाले भी घायल शंभू बॉर्डर पर वहां से साठ किसानों को अस्पताल ले जाया गया साठ पांच दर्जन खनौरी बॉर्डर पर तीस किसान घायल हैं कुल मिलाकर संख्या एक सौ तीस की हो गई है इसमें चौबीस पुलिस वाले भी शामिल हैं बातचीत भी हुई आठ फरवरी को बातचीत हुई किसान यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उन्होंने किसानों से बात की बारह तारीख को फिर बात हुई दो दिन पहले लेकिन बात बेनतीजा निकली है किसान लंबी फेरस्त मांगो की लेकिन उसकी जड़ में मूल में है न्यूनतम समर्थन मूल्य मेहनत की माकूल कीमत उसे कानूनी जामा पहनाया जाए सरकार कह रही है यह नहीं हो सकता इसमें वक्त लगेगा अब वक्त लगेगा तो 2011 में इस बात की तस्दीक क्यों करते हुए या मांग क्यों उठाते हुए दिखी थी बीजेपी तब विपक्ष में थी कि कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को फिर ताल ठोकी गई स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें और इसमें सबसे अहम सिफारिश थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और एमएसपी तय की जाए सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट के फॉर्मूले पर. पर वो तय नहीं की गई आठ फरवरी 2015 को सरकार ने बाकायदा एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन अडिशनल सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कि जी किस फिफ्टी लागू कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा बेड़ा गर्क हो जाएगा और फिर 2020 आते आते काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो कहने लगे कि भाई एमएसपी को गारंटी दे दी तो कुल बोझा सरकार पर कुल बोझा हो जाएगा सत्रह लाख करोड़ का उस वक्त तीस बत्तीस लाख करोड़ का हमारा बजट होता था आज पैतालीस लाख करोड़ का बजट है उसका भी छत्तीस फीसदी तो ये तो माइंड बॉगलिंग फिगर है ना भाई इतना बड़ा बोझ कोई क्यों उठाएगा और कैसे उठा सकता है बिल्कुल जायज सवाल है लेकिन इस आंकड़े पर हम पहुंचे कैसे इसकी डिटेलिंग में भी तो जाने की जरूरत है बिकॉज द डेविल उसी में तो सारा खेल होता है आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ छिपा भी जाते हैं तो ये सत्रह लाख करोड़ की जब हम फिगर की बात करते हैं आज की तारीख में तेईस चौबीस में भी सवा दो से ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए फसलों को खरीदने में एमएसपी पर कुल मिलाकर तेईस फसलें हैं उनमें भी ज्यादा फोट गेहूं और धान का है इक्का दुक्का चना और उसमें जोड़ लो बाकी जो खरीदी होती है वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे तेल तिलहन की हम बड़ी बातें करते हैं शून्य दशमलव एक तीन फीसदी शून्य दशमलव एक तीन फीसदी एक क्विंटल सौ किलो अगर सरसों या तिलहन उगाया जा रहा है काटा जा रहा है इस देश में उसका 130 ग्राम 100 किलो का 130 ग्राम और दलहन की हम बहुत बात करते हैं शून्य दशमलव चार तीन फीसदी सौ किलो में से आधा किलो से कम की खरीदी सरकार करती है और जवार बाजरा मक्का रागी आजकल इसकी बड़ी बात हो रही है मिलेट्स की अरे गेहूं त्याग दो चावल त्याग दो बाजरा मक्का रागी जवार इनकी रोटियां खाओ मैं भी वही खाता हूं वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी है पारंपरिक हमारा खाद्यान्न है उसकी खरीदी है शून्य दशमलव दो छह फीसदी सौ किलो उगाया जाता है तो उसमें से पाव भर पाइया सरकार खरीदती है अब इसीलिए यह सत्रह लाख करोड़ का गणित आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है मान लेते हैं सत्रह लाख करोड़ रुपए लगेंगे सरकार ये सारी फसलें खरीद ले और उसमें दलहन तिलन ज्वार बाजरा चना मक्का इन सबको खरीदे ना तो सत्रह लाख करोड़ अब आप कहेंगे वो पैसे कहां से आएंगे अरे भाई सत्रह लाख करोड़ का माल खरीदा है तो उसको हिंद महासागर में थोड़ा आप डाल देंगे या उसमें आग थोड़ा लगाने वाले हैं वो भी तो बेचेंगे खरीद कर बस वो क्या स्वाहा करने के लिए सरकार खरीदेगी कॉरपोरेट हाउसेस को बेचेगी जो ब्रेड बनाते हैं आटा बनाते हैं और चीजों में जो इस्तेमाल होता है तेलों का इस्तेमाल होता है राज्य सरकारों को देगी यह नेफेड किस लिए है किस चीज के लिए बनाया गया तो यह कह देना बस खरीद लिया तो बस वो खर्चा हो गया आमदनी कितनी होगी ये कोई बताने को तैयार नहीं आप पाव भर या आधा किलो सौ किलो में से खरीद रहे हैं तिलहन और दलहन और जहां दालों के दाम बढ़ने लगे सरसों के तेल के दाम बढ़ने लगे तो आप इंपोर्ट का रास्ता अपना लेते हैं दूसरे देशों को आप पैसा देने को तैयार हैं अपने किसानों से माकूल कीमत देकर आप खरीदी करने को तैयार नहीं इसमें कौन सा लॉजिक है बाहर वालों को पैसे दे दो किसानों को पैसे देने की जरूरत नहीं और यह कहां लिखा है यह किस कानून में लिखा है कि एमएसपी को कानूनी जामा अगर पहना दिया गया तो एक एक दाना सरकार को ही खरीदना है ये तो कॉमन सेंस की बात है बच्चा भी जानता है आपको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है कि सरकार थोड़ा खरीदेगी सारा लेकिन बाकी जो लोग खरीद रहे हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएंगे दंड मिलेगा तो उन्हें दंड देने में क्या दिक्कत है वो भी खरीदेंगे फिर तर्क यह दिया जाता है जी ये हो गया तो दाम बहुत बढ़ जाएंगे अरे सी टू प्लस फिफ्टी तो आप दे ही नहीं रहे ए टू प्लस एफ एल पर दे रहे हैं कल मैंने आपको समझाया था गेहूं जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य इक्कीस सौ पच्चीस रुपए है अगर और वो ए टू एफ एल के फॉर्मूले के हिसाब से तय किया गया है सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट अगर फॉर्मूला तय हो तो इकतीस सौ पचास रुपए देने पड़ेंगे जी दामों में आग लग जाएगी तो सरकार किस लिए होती है मार्केट इंटरवेंशन करनी होगी ना कितना खरीदना है कितना बेचना है सरकार आती है ना घुसना पड़ता है एमएसपी पर पूरी खरीदी ना भी होते हुए बाजार का नियंत्रण जब जरूरत पड़ती है सरकार करती है ना तो यहां पर यह क्यों नहीं किया जा सकता इसमें और आगे बढ़ते हैं भावांतर होता है एक कि जी 2125 रुपए गेहूं के दाम है मार्केट में बिक रहा है दो हजार रुपए का तो उसकी भरपाई सरकार कर दे वो सौ रुपए दे दे मध्य प्रदेश में यह लागू किया गया पर सोच समझकर लागू नहीं किया गया तो धड़ामगिरी वो योजना इसकी एक मानगी मैं आपको देता हूं यह 2017-18 के मूल्यों पर आधारित एक स्टडी की स्टडी करने वाले योगेंद्र यादव भी आज इस चर्चा में शामिल हैं चौदह सौ रुपए सवा चौदह रुपए दाम था मक्का का 2017-18 में लेकिन औसत मूल्य बाजार में कितने पे बिका वो था ग्यारह रुपए कुल मिलाकर किसानों को घाटा हुआ छह करोड़ का सरकार कर सकती थी इसकी भरपाई और मैं सी टू प्लस फिफ्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं उसके हिसाब से दो हजार चौरानवे रुपए दाम हो जाता मक्का का और किसानों के जेब में तेईस हजार छह सौ सैतालीस रुपए आते तो किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर छह हजार रुपए साल के दे दो पांच सौ रुपए महीना और भरपाई हो जाती है यहां एक और आंकड़ा बताता हूं आपको सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स घटा दिए गए तीस से पच्चीस बाईस भी लाए गए नई कंपनीज के लिए पंद्रह परसेंट डेढ़ लाख करोड़ का फायदा हुआ राहत मिली कॉरपोरेट जगत को उसके लिए बटन कभी नहीं दबाया जाता और यहां पर अगर यह भावांतर स्कीम भी लागू कर दी जाए कि किसान जितना मार्केट में कम दाम पे भी जा रहा है जाने दो सरकार उसका पैसा बाद में उसकी भरपाई कर देगी तो उसकी कुल कीमत या किसान को जो नुकसान हुआ बाजार में बेचकर वो सैतालीस हजार सात सौ चौसठ करोड़ रुपए थी 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं अब आंकड़ा बढ़ जाएगा वो अलग चीज है तो उसमें और सारी चीजें भी बढ़ेंगी सैतालीस हजार सात सौ चौसठ करोड़ रुपए यह मनरेगा की राशि से भी कम है तो इसे देने में पेट में दर्द क्यों होने लगता है ये कोई समझाने को तैयार क्यों नहीं है और अब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सर किसानों के मुद्दों पर संवेदनशील है सरकार कुछ मांगे विचित्र हैं कुछ दिन में चुनाव है इसलिए कानून बनाना मुश्किल है यह सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं राज्यसभा सांसद हैं कुछ दिन में चुनाव है इसलिए कानून बनाना मुश्किल है कोविड काल कोरोना काल में जो तीन कृषि कानून लाए गए थे अध्यादेश के रूप में लेकर आए गए थे ना कहीं कोई मांग थी ना कोई चर्चा हुई अध्यादेश के जरिए ले आई थी बाद में संसद में पास कराया तो कानून अध्यादेश के रूप में आ सकता है तो एमएसपी गारंटी भी अध्यादेश के रूप में क्यों नहीं आ सकती या ये टाइम बाइंग हो रही है जुलाई 2022 से एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमिटी बनी छह मीटिंगें की कुछ चर्चाएं की सब ग्रुप्स में वो सैंतीस थी कुल मिलाकर प्रभावी बनाने का रास्ता नहीं दिखता है तो असल मुद्दे पर खुलकर चर्चा खुलकर आंकड़े क्यों नहीं देश के सामने रखे जाते और आज वही कोशिश मैं कर रहा हूं और ऐसे में आज का सीधा सवाल जारी है लड़ाई एमएसपी पर कंफ्यूजन क्यों है भाई और किसान होगा माला माल तो देश हो जाएगा कंगाल अब माला माल किसान भी हो पर देश भी खुशहाल हो हम नहीं चाहते कि हमारी अर्थव्यवस्था कंगाल हो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और इनकी है पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर। और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे